नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में सभी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। कोरोना मरीजों की कोई सुधि नहीं ले रहा है। आज हम आपको ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस संक्रमण काल में एक अलग मिसाल कायम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के जफराबाद से विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह की, जिन्होंने अपने क्षेत्र के हौज गांव स्थित ट्रामा सेंटर में बने L2 अस्पताल का मंगलवार को निरीक्षण किया। साथ ही विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने PPE किट पहनकर मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने भर्ती मरीजों से उपचार व मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। गंभीर मरीजों के उपचार में उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए तत्काल वेंटिलेटर पर रखवाया। इस दौरान उन्होंने गंभीर मरीजों के लिए 2 फ्लो नेजल कैनुला देने की घोषणा की। इस दौरान चिकित्सक व कर्मचारी बचाव मुद्रा में नजर आए। विधायक ने कोविड अस्पताल पहुंचकर पहले प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर DK सिंह से भर्ती मरीजों की संख्या जानी। उसके बाद उन लोगों को चल रही दवाओं को देखा, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान 26 वर्षीय सौरभ तिवारी नामक युवक की हालत गंभीर देख प्रभारी चिकित्सक को फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करके सौरभ को वेंटिलेटर पर रखवा कर उसे संजीवनी दिलाई। मौके पर ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से बात करके अपनी निधि से 2 फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन बढ़ाने की मशीन बुधवार तक देने की घोषणा की। कहा कि यह मशीन काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद की करेगी। पेशे से चिकित्सक व समाज सेवा की बदौलत व जनप्रतिनिधि चुने गए डॉक्टर सिंह द्वारा किया गया यह प्रयास अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। बाहर बाहर लगा है नहीं, रास्ता में रुका है, नहीं चल रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।